स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप अपने मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के साथ किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, या यूं कहे कि किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करने के बाद किस प्रकार से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दहली का बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको अन्य राज्य का बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। जैसे कि कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हो गया या फिर राशन कार्ड से रिलेटेड कोई ऐसा जानकारी जो आपके लिए जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो मोबाइल नंबर को राशन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। मैं आपको तीन वेबसाइट का नाम बताऊंगा, ये तीनों वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधार नंबर, जिसके नाम से भी राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ पर उनका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आपको राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। और अगर आपको राशन कार्ड का नंबर नहीं पता है तो किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं ये भी आप समझ लीजिए। उसके लिए आप जो है इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यू योर राशन कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आधार नंबर ऑफ एनी फैमिली मेंबर। तो आपके राशन कार्ड में आपके परिवार में जितने भी लोगों का नाम ऐड हो रखा है उनमें से किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। इस प्रकार से आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे और यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके राशन कार्ड का सभी डिटेल ओपन होके आ जाएगा। ध्यान रखिए राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति का नाम ऐड है उनमें से किसी का भी आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड का सभी डिटेल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको राशन कार्ड का नंबर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप वापस यहीं पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर आपको नाम डालना होगा जिसके नाम से भी राशन कार्ड बन रखा है यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप जिस भी मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपके राशन कार्ड में पहले से कोई मोबाइल नंबर लिंक है और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। बस यहां पर आपको नया नंबर डाल देना है जो आप अपने राशन कार्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं। यहां पर इस प्रकार से आप अपना सभी डिटेल्स डालेंगे और यहां आप सेव पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद योर राशन कार्ड। यानी कि मैंने यहां पर जो डिटेल दिया है, जो मोबाइल नंबर दिया है, ये इस राशन कार्ड के साथ पहले ही लिंक है। अगर आपका यहां पर आपके राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं आएगा। तो यहां पर आप अपने सभी डिटेल्स को डालेंगे, यहां सेव पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली आपके राशन कार्ड के साथ जुड़ जाएगा। जब यहां से आप अपने राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो ये आपके राशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं किस प्रकार से आप इसको चेक करेंगे, उसके लिए आप जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर भी आपको दिख जाएगा व्यू योर राशन कार्ड डिटेल्स, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है मोबाइल नंबर, यहां पर आप उस मोबाइल नंबर को डालिए जो आपके राशन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए आपने दिए है, और यहां सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको लिखा हुआ आ जाएगा लिस्ट ऑफ रिकॉर्डेड फाउंड, यहाँ पर आपके राशन कार्ड का सभी डिटेल ओपन होके आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका सभी डिटेल ओपन होके आ जाता है मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आप राशन कार्ड के साथ लिंक करवाए है, तो आपका मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली आपके राशन कार्ड के साथ जुड़ गया है, लिंक हो गया है। और अगर ये डिटेल ओपन होके नहीं आता है, इस प्रकार से रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप जो है इसी वाली वेबसाइट पर दोबारा आएंगे और यहाँ पर आपको जो फिर से आधार कार्ड का नंबर डालना है, राशन कार्ड का नंबर डालना है, और यहाँ पर जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ पर उनका नाम डालेंगे, और जो मोबाइल नंबर आप लिंक करने के लिए दिए थे उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो अभी आपके एप्लीकेशन के साथ जो है क्या प्रोसेस चल रहा है, जैसे अंडर प्रोसेस बता देगा या फिर कोई एनी अदर डिटेल भी बता सकता है, तो यहाँ पर जो आपको पूरा डिटेल में बता देगा कि अभी आखिर आपका राशन कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर क्यों लिंक नहीं हुआ है और इसका अभी क्या स्टेटस है। तो यहाँ से आप दो तरीके से जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो किस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे राशन कार्ड मोबाइल नंबर लिंक, आपके राज्य का नाम राजस्थान है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप राजस्थान लिखेंगे और सर्च करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपके राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वो सभी डिटेल्स देना है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपके राज्य का नाम बिहार है तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से बिहार लिखेंगे,
और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके राज्य का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बिहार का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है बिहार का राशन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए आपके राज्य का जो भी नाम है, राज्य का नाम लिखेंगे और यहाँ पर जो आपके राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ से आप जो है इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।